Bismillahirrahmanirrahim. Assalamu alaikum. Open your Urdu B copies. Today we read and write Wahid and Jama. ठीक है? अब Wahid और Jama क्या होते हैं? ठीक है? Wahid किसके लिए हमने आप लोगों ने grade one में भी ये पढ़ा होगा आप लोगों की जो grade one की teacher थी उन्होंने आपको जरूर बताया होगा. ठीक है? अब हम क्या है कि Wahid और Jama. Wahid अब हम किसी एक Wahid चीज के लिए यानी कि जो चीज अकेली होती है उसके लिए हम इस्तेमाल करते हैं. ठीक है? Wahid और जमा जब वही चीज एक अकेली है. समझो अब हमारे पास कॉपी है. ठीक है? अभी ये मेरे पास एक है. ठीक है? ये हमारे पास मेरे पास अभी एक है तो ये क्या होगी? कॉपी. ठीक है? जब ये मेरे पास एक से ज्यादा हो जाएंगी यानी के मतलब कि अब ये मेरे पास दो आ गई तो ये क्या हो जाएंगी? मेरे पास कॉपियां. ठीक है? कॉपियां हो जाएंगी. ठीक है? जब ये मेरे पास एक थी तो हमारे पास क्या थी? ये कॉपी. लेकिन जब ये एक से ज्यादा हो गई तो ये हमारे पास क्या हो गई? कॉपियां. ठीक है? अब हम क्या है? वाहिद जमा. क्या किया अब हम ऊपर आप लोग अपनी कॉपीज पे लाइंस लगाए. लाइंस लगा के ऊपर अपना क्लास वर्क होम सॉरी डेट सब कुछ मेंशन करें देन लाइंस लगाए. ठीक है? फिर उसके बाद हम क्या लिखेंगे? वाहिद जमा. ठीक है? अब आप लोगों ने क्या करना है मिड में स्केल से लाइन लगानी है. ठीक है? हमारे पास देखें अब हमने क्या लिखा वाहिद में लड़का माल्टा कवा झंडा ठेला जूता क्योंकि ये अभी हमारे पास एक एक है. ठीक है? अब जब ये हमारे पास एक से ज्यादा होंगे तो हमारे पास क्या हो जाएगा? लड़का लड़के माल्टे कवा कवे झंडा झंडे ठेला ठेले जूता जूते. ठीक है? ये हमारे पास क्या आ गए? अब ये आप लोगों का क्या है? क्लास वर्क. और यही आप लोगों ने क्या करना है? होमवर्क में करना है. ठीक है? नाउ थैंक यू.